हंसराज है भाई, हंसराज है। सुंदर कहा जाता है कि क्या सरकारी गुंडा कौन है? हंसराज है, हंसराज है। सरकारी गुंडा कौन है? हंसराज है, हंसराज है। सरकारी गुंडे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गुंडे गुंडे गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी साठ हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी साठ हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी साठ हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा का वाइल्ड बोर कौन है? हंसराज है, हंसराज है। भाजपा का वाइल्ड बोर कौन है? हंसराज है, हंसराज है। अब तो सरकार ने भी अनुमति दे दी है शूट करने की। सबसे पहले पंगा किसने कराया? सरकार ने कराया, सरकार ने कराया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठे केस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे केस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी साठ हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी साठ हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी गुंडा कौन है? हंसराज है, हंसराज है। सरकारी गुंडा कौन है? हंसराज है, हंसराज है। सरकारी साठ कौन है? हंसराज है, हंसराज है। विधानसभा पुलिस छावनी किसने बनाई? जयराम ने बनाई, जयराम ने बनाई। विधानसभा पुलिस छावनी किसने बनाई? जयराम ने बनाई, जयराम ने बनाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्ष की आवाज को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्ष की आवाज को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुन ले जा रहा बात हमारी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सुन ले जा रहा बात हमारी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कदम कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी सांड हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी गुंडे हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम हमसे डरता है, क्यों नहीं होगी? जयराम हमसे डरता है, हंसराज को आगे करता है। जयराम हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। जयराम हमसे डरता है, पठानिया को आगे करता है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सरकारी गुंडे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सरकारी सांड हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी सांड हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद।
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सपा के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से ये महंगाई कहां से आई भाजपा लाई भाजपा लाई जयराम हमसे डरता है जयराम हमसे डरता है जयराम हमसे डरता है जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से वो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से जयराम की सरकार को भेजो हरिद्वार को हरिद्वार को मत भेजो वहाँ करेंगे बोलो जी राणा जी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी झूठे केस नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे झूठे केस नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एड्रेस को कमेटी को अटैकिंग उनको निकालो और ये चलो जी आओ जी आजो आजो पैक कर दो यार इसको पैक कर दो एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई थोड़ा आज आप यहाँ पर बैठे हो तो ये हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो है उसकी गुंडागर्दी और सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी जो चल रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है धरना चल रहा है और ये सरकार दमन चक्कर चलाए हुए है ये सरकार विधानसभा को फेस नहीं कर सकती इसलिए विपक्ष के विधायकों को बाहर किया जा रहा है और हमारा असल में तो ये होना चाहिए था जिन भाजपा के मंत्रियों और डिप्टी स्पीकर जिन लोगों ने कांग्रेस के मेंबर्स को धक्के दिए उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए था उनको बाहर किया जाना चाहिए लेकिन इन्होंने कांग्रेस के 5 सदस्यों को जो है निलंबित किया और पुलिस का जो FIR थी भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी और भाजपा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जिसका कोई रोल ही नहीं था उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी उल्टा जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है कांग्रेस के MLAs के खिलाफ जो है ये विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं इसलिए इन्होंने ऐसा एक्शन लिया। असल में जयराम एक पहले मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के जो ना तो सत्र को फेस कर सकते हैं ना विधायकों को फेस कर सकते हैं और किसी भी ढंग से जो है विपक्ष की आवाज़ दबा के ये समय निकालना चाहते हैं और यहाँ पे अगर पूरा घटनाक्रम को आप देखें जो यहाँ पे विधानसभा में हुआ और ये सारा कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र के तहत किया गया ये सारा घटनाक्रम जो है जयराम के इशारे पे हुआ। जयराम इसका जो है मास्टरमाइंड है इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो जयराम है प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसने ये सारा प्रायोजित किया और जिसने अपने मंत्रियों को विपक्ष को धक्के देने में लगाया जिसने जो है विधानसभा के अंदर की कार्रवाई के लिए जो है
मूव चलाया और जिसने जो है ये सारा संरक्षण जो है गुंडागर्दी को संरक्षण, माफिया को संरक्षण, गुंडागर्दी को संरक्षण, ये सारा जो है जयराम के इशारे पे चल रहा है। इसमें कोई छोटा व्यक्ति शामिल नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री शामिल है जिसने ये सारा प्रायोजित किया। आप अगर घटनाक्रम को देखें, जब विधानसभा शुरू होनी थी उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में एजेंडा रखा जाना चाहिए था, और उसके बाद जब वहां पे इनके संसदीय कार्य मंत्री कटसी काल को आए, उनको उस समय एजेंडा रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारा गुपचुप तरीके से काम किया। अगर गवर्नर को गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ना था, पहले तो ये बताए कि 65 पन्ने का गवर्नर एड्रेस सदन में पढ़ा क्यों ना जाए, 65 पन्ने लिखे गए थे वो पढ़ा क्यों ना जाए। और ये कहते हैं कि पहले भी ऐसे रिवायत थी, वो अगर रिवायत अगर आपने उसका पालन करना था तो आपको आके ऑल पार्टी मीटिंग में ये बताना चाहिए था कि गवर्नर साहब जो है एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, आपसे आग्रह किया जाता है कि आप हमारे साथ कॉपरेट करें। आपने तो ऑल पार्टी मीटिंग में बताया नहीं कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद ना ही आपके संसदीय कार्य मंत्री ने किसी शिष्टाचार भेंट के तहत बताया गया कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ेंगे। जब वो पन्ने दिए गए और हम उसको ढूंढ रहे हैं कि कहां पे हैं, तो पता लगा कि गवर्नर तो अपना 10 मिनट में वापस भी जाने वाले हैं। ये सारा जो है चोर दरवाजे से हश हश मैनर से, तभी हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री का मास्टरमाइंड है, मुख्यमंत्री ने ये प्रयोजन किया। और आप देखते हैं कि गवर्नर जब हाउस में आए, सारा कांग्रेस विधायक दल खड़ा हुआ उनके सम्मान में, और उसके बाद जब उन्होंने स्वर्णिम हिमाचल की बात की, हम सब ने मेजे थपथपाई। तो ये हम जो है पूरे शिष्टाचार से जो है वहां आ रहे थे। जब वो स्पीच खत्म कर रहे थे तो हमने कहा ये 65 पेज का दस्तावेज ये तो कहीं गुमनामी के भेंट हो गया। जब मैं बोल रहा था उस समय आपने देखा दूसरी तरफ से संसदीय कार्य मंत्री भी बोल रहे थे, वो भी खड़े हुए थे और वो भी बोल रहे थे, और इन्होंने परंपरा का निर्वहन नहीं किया। असेंबली जब गवर्नर का एड्रेस खत्म हुआ तब वहां पे जो है परंपरा के मुताबिक वहां पे जनगण मन वगैरह धुन बजनी थी, वो सब इन्होंने जो है बीच में ही छोड़ के गवर्नर चले गए और मुख्यमंत्री चले गए, स्पीकर चले गए। तो परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ, ना तो इन्होंने ये बताया कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ा जाएगा, ना ही इन्होंने हाउस को समाप्ति पे जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया। उसके बाद परंपरा थी कि अगर गवर्नर साहब को यहाँ चाहे पे बुलाना है तो विपक्ष के नेता और उनके साथियों को, वरिष्ठ साथियों को उस पे बुलाया जाता है, वो भी क्योंकि इनके मन में चोर था तो इन्होंने वहां भी जो है किसी को नहीं बुलाया। और लेकिन हमने जो है पूरा शिष्टाचार रखते हुए हम उस चैम्बर में नहीं गए, हम बाहर चले गए। हमने विधानसभा के बाहर अपना प्रदर्शन कर रहे थे गेट पे बैठ के, और आपने देखा कि गेट के बाहर हम सब लोग बैठे थे, हम अपनी बात कर रहे थे कि क्यों नहीं ये किया गया। इन्होंने इतने भी शिष्टाचार नहीं दिखाया कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को गवर्नर से मिलाया जाता, अंदर बुलाया जाता, दो बुलाते, तीन बुलाते, चार बुलाते, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। और ये आके सीधे जो है पीछे से इनके तीन चार मंत्री, डिप्टी स्पीकर, ये सब पीछे से धक्का देने लग पड़े जहां कांग्रेस के एमएलए बैठे हैं, हमारे ऊपर गिर गए ये लोग। और उसके बाद ये जो है गवर्नर साहब को पता नहीं कहां से ले जा रहे थे गमलों के ऊपर से, एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को आप जो है जाने से पहले रास्ता क्लियर करवाओ, प्रतिनिधिमंडल की बातचीत कराओ, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया। और अगर ये कन्फ्रंटेशन डालना चाहते तो और गेट भी थे, मुख्यमंत्री का गेट नीचे खाली था, या जो है ये हमसे बात करके रास्ता खुलाते, लेकिन इन्होंने तो धक्का मुक्की शुरू कर दी। अग्निहोत्री जी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का तो ये कहना है कि वो फिजिकल, एक मिनट हम आपको पूरी बात कर रहे हैं जी, जब पीछे से आके इन्होंने धक्का मुक्की शुरू की और वहां कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे थे तो वहां भगदड़ मच गई और जो है वर्दी वाले जो है पुलिस के लोग जो है बीच में कूद गए।
हमने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना कि इनको जो है यहाँ से निकालो। मुख्यमंत्री को शिष्टाचार से काम लेना चाहिए था। अगर वो बाहर आ रहे हैं, हमने उनको बताया मुख्यमंत्री को कि ये देखो पुलिस के लोग हमें धक्के मार रहे हैं। हमने जो गवर्नर के ADC थे उनको भी स्पष्ट कहा, हमने कहा धक्के मत मारो आप लोग। गवर्नर साहब ने जाना है, जाएंगे वो, लेकिन पहले जरा बात होने दो। इनके स्पीकर साहब को जो है हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप पहले बात तो होने दो, हमने अपनी बात रखनी है गवर्नर साहब के पास कि आपने ये गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ा तो हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया। आखिर क्या ये तो ऐसा गवर्नर एड्रेस है जो गवर्नर ने पढ़ सकते, वो प्रदेश की जनता क्या पढ़ेगी, वो विधायक क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब जो है वो इतना नीरस है, इतना खोखला है। और उसमें हमने अंदर भी बात की, हमने कहा बात हमें या आप जो गवर्नर ने पढ़ा उसमें ना तो जो है किसान आंदोलन चल रहा है, 230 किसान जो है शहीद हो गए उसकी बात नहीं हुई। हमने कहा महंगाई की बात नहीं हुई, महंगाई जो है 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, 90 रुपये का डीजल हो गया, 900 रुपये का गैस का सिलेंडर हो गया, उसके बाद राशन में आग लगी हुई है और हर चीज़ महंगी हो रही है। उसके बाद जो है कोरोना काल में उन्होंने अपनी सरकार की दाद दे रहे थे, हमने कहा कोरोना में भ्रष्टाचार की भी बात करो जिससे आपके पार्टी प्रेसिडेंट को कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर आपने 20-25 हज़ार करोड़ का कर्जा ले लिया, आर्थिक स्थिति आपने तबाह कर दी। ये सारे मसले जो प्रदेश के मसले थे, बेरोजगारी, और आप चोर दरवाजे से अपने एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आपने हजारों लोग भर दिए, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसियों की जो पोस्टें थी वो ट्रांसफर करके मुख्यमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को भरी जा रहे हैं। हमने ये जो ज्वलंत मुद्दे थे हमने कहा इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे। एक सेकंड, ये हम आपको हकीकत बयान कर रहे हैं और हकीकत ये है कि ये मुद्दे हमने अंदर भी रखे लेकिन गवर्नर साहब एकदम से चले गए। अब और उसके बाद हाउस एडजॉर्न कर दिया गया, हाउस एडजॉर्न किया डिप्टी स्पीकर ने और ये कहा कि सोमवार सुबह तक हाउस को स्थगित किया जाता है 2 बजे तक। ये बताएं कि स्थगित हाउस में आप MLAs को कैसे निलंबित कर सकते हैं। जब हाउस बंद हो गया, हाउस बंद होने के बाद जब हाउस चल ही नहीं रहा है और आप MLAs को बाहर कैसे कर सकते हैं। 5 MLA आपने बाहर किए बंद हाउस में, ये हिस्ट्री हो गई पूरे संसार में, पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ होगा कि बंद हाउस में आपने जब MLAs को निष्कासित किया और आपने जो पत्र हमें भेजे हैं उन पत्रों में आपने अंदर का कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनकॉल्ड फॉर है, अनजस्टिफाइड है ये जो इनका एक्शन अंदर का है। जब सदन ही नहीं चल रहा, सदन स्थगित है, तो आप MLAs को कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, जो बाहर बात हो रही है सदन स्थगन होने के बाद, जो बाहर बात हो रही है, बाहर जो किया है वो भाजपा के मंत्रियों ने और डिप्टी स्पीकर ने किया ये सारा। और उसके बाद जब इन्होंने हमें धक्के मारे तो हमें उनकी गाड़ियों तक पहुंच गए और फिर भी हम यही कह रहे थे दस्तावेज दिखा के कि भाई दस्तावेज नहीं पढ़ा गया। हमने क्या, किसी ने ना स्पीकर को किसी ने टच किया, ना चीफ मिनिस्टर को किसी ने टच किया, गवर्नर साहब को टच करने का तो मतलब कोई नहीं था, किसी भी व्यक्ति ने किसी को टच नहीं। मुख्यमंत्री बाहर कहते हमला हो गया और जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी जरूरी है, स्पीकर की सिक्योरिटी जरूरी है, गवर्नर साहब की भी जरूरी है। क्या विपक्ष के नेता और विपक्ष के विधायकों की उनकी कोई सुरक्षा नहीं है? क्या उनको इस तरीके से डील किया जाएगा? सुरक्षा तो सबके लिए है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठे हैं तो हम लोग भी उसी तरीके से चुन के आए हुए हैं। विधानसभा में, बंद विधानसभा में आपने MLAs बाहर निकाले और आपने अपने MLAs पे एक बराबर कार्रवाई नहीं की। फिर आप अपने भी 4 लोगों को निकालते, 5 लोगों को निकालते, आप जो है सुरेश भारद्वाज जी उनको बाहर निकालते, आप राकेश पठानिया जी को बाहर निकालते, आप गोविंद जी को बाहर निकालते, आप मारकंटे को बाहर निकालते, आप डिप्टी स्पीकर को बाहर निकालते, जो लोग वहाँ धक्केशाही में लगे हुए थे वो सारे सामने हैं। आपने अपने लोगों पे सेम फार्मूला नहीं लगाया और आपने एक तरफा कार्रवाई की। और बाहर जो है अगर FIR की है, धक्के बजे हैं, आपने हम लोगों पे जो है पुलिस केस बनाया, आपने अपने लोगों को पे क्यों नहीं बनाया? तो आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने गिरेवान पकड़े हुए हैं, कैसे वो धक्के दे रहे हैं, उन पे पुलिस केस क्यों नहीं बने? और ये फर्स्ट टाइम है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि स्पीकर जो है पुलिस एक्शन करवा रहा है MLAs पे।
और फर्स्ट टाइम है कि बंद हाउस में जो है एमएलए बाहर निकाले जा रहे हैं, तो इसलिए ये असंवैधानिक काम किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल काम किया गया है। लेकिन हम इसको राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। एक पूरा कांग्रेस विधायक दल एक है, अंदर स्पीकर कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री और हर्षवर्धन में प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्या ये स्पीकर साहब के कहने की बातें हैं? क्या वो राजनीतिक पद पे विभूषित है वहां पे जो अंदर वो है, इस ढंग के कमेंट्स दे रहे हैं? सर आप सरकार आप देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सारा विधायक दल इकट्ठा है। क्या घेरने की क्या जरूरत है? गवर्नर का घेराव नहीं हुआ है, गवर्नर का घेराव नहीं हुआ है। गवर्नर साहब ने जब एड्रेस नहीं पढ़ा, उनकी अंतिम पंक्ति पे हमने पूछा और उसमें सुरेश भारद्वाज भी खड़े थे, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा था तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी खड़े थे। क्यों नहीं इन्होंने वहां जनगणमन करवा के जो है हाउस को स्थगित किया? और इन्होंने संख्या बल से, सत्ता की धौंस से, तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से इन्होंने हम पे हमला बोला है पीछे से आके। अंदर तो अभिभाषण की प्रतिलिपि थी, उनका ये भी कहना है कि उनके ऊपर जो है राज्यपाल के ऊपर फेंकी किसी ने कुछ नहीं किया। राज्यपाल को भी वीडियो राज्यपाल साहब को पूरा हम ये कह रहे थे रोकते हुए कि ये देखो पूरा दस्तावेज है, इसको पढ़ा जाना चाहिए और ज्वलंत मुद्दों पे बात की जानी चाहिए थी। अगर आपने नहीं पढ़ना था तो हमें बताना चाहिए था। किसी भी जगह शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं किया। जो भी धक्काशाही हुई है, सरकार प्रायोजित हुई है, गुंडागर्दी सरकार प्रायोजित हुई है, भाजपा के मंत्रियों और डिप्टी स्पीकर पे एक्शन होना चाहिए, उनको निकाला जाना चाहिए और पुलिस एक्शन करना है उन पे होना चाहिए। वैसे तो विधानसभा परिसर के अंदर पुलिस एक्शन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन्होंने अगर नई रिवायत कायम की है, और बाबर्दी लोग जो है वहाँ बीच में उलझ नहीं सकते थे, इन्होंने सारे वो किए हैं। आज हमारे गेटों पे ताले लगाए हैं, आप देखते हैं कि जिस गेट से हम आते हैं वहाँ किस ढंग से तालाबंदी की है। हमारे यहाँ पे 90 मार्शल लगा दिए। हम क्या आतंकवादी है, हम क्या उग्रवादी हैं, हम क्या गुंडे हैं जो इतनी पुलिस फोर्स जो है पुलिस छावनी बना के रखी है? यह इस चीज का ये लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुकेश जी, आप बोले कि आप पे हमला हुआ तो एफआईआर दर्ज करेंगे आप लोग? हम ऐसा है, हम राजनीतिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमला हमारे पे हुआ है, हमला सरकार प्रायोजित था, हमले का मास्टरमाइंड जयराम है। जयराम के मास्टरमाइंड के चलते उन्होंने अंदर से जो है सारी प्लानिंग करके आए, जहां चाय पी वहां प्लानिंग करने के बाद उन्होंने बाहर से आके हमें धक्के मारे। हम तो आराम से बैठे हुए थे। पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। ये ना तो सदन को फेस कर सकते हैं, ना विधायकों को फेस कर सकते हैं, और ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं। हम आपको देशद्रोही दिखते हैं, देशद्रोह की धाराएं आप एमएलए पे लगा रहे हैं, चुने हुए एमएलए पे देशद्रोह की धाराएं लगा रहे हैं। इन्होंने जो करना है इनको मुबारक है, वी आर रेडी फॉर ऑल विक्टिमाइजेशन। मुकेश जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस में अनुभवी प्रतिनिधित्व की कमी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जयराम पहली दफा बना है, बहुत ज्यादा उपदेश देने की कोशिश ना करे। जो ये एपिसोड हुए ना, इस सारे को जो भारतीय जनता पार्टी है वो गवर्नर से जोड़ रही है। राज्यपाल के प्रति हमने कभी भी कोई अपमान या कोई ऐसे शब्द नहीं कहे। अब इन्होंने कहा कि इंसल्ट ऑफ गवर्नर एक धारा लगाई है। गवर्नर से तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, गवर्नर को किसी ने छुआ नहीं है, मुख्यमंत्री को किसी ने छुआ है, ये सारा वीडियो क्लियर है। ये अपने फेलियर को गवर्नर से जोड़ करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वीडियो सारा क्लियर है, गवर्नर के नज़दीक कोई कांग्रेस का विधायक गवर्नर के नज़दीक कोई गए नहीं। अगर हमने जो नारे लगाए हैं गवर्नर के अपमान में और गवर्नर के अगेंस्ट, तो हमने बोला ही कुछ नहीं है। हमने तो महंगाई के खिलाफ नारे लगाए हैं, बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगाए हैं, और हमने तो ये कहा है कि भी आपने जो है अपना जो गवर्नर एड्रेस है वो क्यों नहीं पूरा होना। हमारा मकसद तो सिर्फ गवर्नर से बात करने का था। जैसे मुकेश जी ने कहा, मैंने खुद जब धक्का मुक्की हो रही थी स्पीकर साहब को, मैंने कहा कि स्पीकर साहब आप इस धक्का मुक्की को 2 मिनट बंद कराएं, हमारी बात सुनो और हमको गवर्नर साहब से 2 मिनट बात करने दो, हम गवर्नर साहब को बाइज्जत यहाँ से जाने देंगे। मगर वो प्लान्ड था इनका, अंदर जब ये चाय पीने बैठे उस वक्त सारा ये प्लान्ड था। और धक्का मुक्की मारते हुए आए, सबसे पहले धक्का मुक्की किसने मारनी शुरू की? जब हम सीढ़ियों पे विधानसभा की सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सुरेश भारद्वाज और हंसराज हमारे बीच में घुस करके हमें धक्के मारने लगे। भाजपा के मंत्री और डिप्टी स्पीकर और विधायकों का कांग्रेस के बीच में आना क्या 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 इंटेंशन है इसकी? क्यों हमारे बीच में? अगर हमने रास्ता रोका था, इनके पास पुलिस प्रशासन था, इनके पास फोर्स थी, हमको वो फोर्स उठा करके वहाँ को साइड कर सकते। क्या भाजपा के नेताओं ने
कानून अपने हाथ में ले लिया है, मुकेश जी और हम पांच लोगों को बाहर निकाला, ये कहते हैं कि सदन में हमने विरोध, हमने सदन में ऐसा काम किया जो गवर्नर जो परंपराओं के खिलाफ है। क्या सुरेश भारद्वाज जब गवर्नर साहब बोल रहे थे, सुरेश भारद्वाज जी अपनी सीट से उठ करके वो भी तो खड़े होकर के उन्होंने भी तो बोलना आरम्भ किया है, जो अगर हमने हाउस के अंदर कोई ऐसी परंपरा तोड़ी है तो सुरेश भारद्वाज ने भी वो परंपरा तोड़ी है और वो विधानसभा से निष्कासन सुरेश भारद्वाज पे भी होनी चाहिए। आप सबने देखा सुरेश भारद्वाज भी अपनी कुर्सी से खड़े हुए, क्या कुर्सी से खड़े होकर के और मुकेश जी पे चिल्लाना, क्या वो भी तो जो कानून का उल्लंघन है, हाउस की परंपराओं का उल्लंघन है। अगर ये धारा और ये उल्लंघन का आरोप हम पे लगा है तो सुरेश भारद्वाज ने भी तो किया है। और दूसरा हम लोग अगर हम लोगों को वहां से हटाना था तो विधानसभा के प्लेन क्लोज के लोग उठाते, मार्शल्स हटाते, ये मंत्रियों का काम था कि वो हमें धक्के मारने आए। क्या ये बाबरदी पुलिस परिसर में लाई जा सकती है? पहली दफा परिसर में पुलिस आई है, ड्रेस्ड पुलिस, ड्रेस्ड पुलिस जो है, क्या आपने ड्रेस्ड पुलिस से एमएलए पे एक्शन कराया जो पूरी वर्दी में थे, और आपने अपने एमएलए से अपने मंत्रियों से करवाया? क्या ये अधिकृत थे? क्या ये बाउंसर्स अधिकृत बाउंसर हैं? ये गवर्नर की आड़ में ऐसे व्यवहार को कैसे रोका जाएगा, मतलब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैं देख रहा हूँ ये लिखा हुआ हंसराज का फोटो गोल करके, ये कोई नेता है या पालतू कुत्ता है? ऐसे ये लोगों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है, ये लोग लगा रहे हैं, सोशल मीडिया लोग लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, हमारे पोस्टर तो यहाँ दो हैं, ये तो लोग आ रहे हैं वो लगा रहे हैं, हमारे तो ये दो पोस्टर है यहाँ पे दो, आप जिनको आप जो ये हंसराज जी के प्रति जो देख रहे हो ना, ये सारे का सारा सोशल मीडिया पे सबने देखा है, ये हमारा नहीं है, लेकिन आप ये बताए हंसराज की गुंडागर्दी, आप ये बताए कि क्या परिसर के अंदर परिसर के अंदर पुलिस लाने का रिवायत शुरू हो गई? क्या परिसर के अंदर पुलिस अब बाबरदी आया करी गई? क्या परिसर के अंदर पुलिस के एफआईआर हुआ करेंगे? ये पहले बताना पड़ेगा। आज दिन तक नहीं थी रिवायत, कभी पुलिस का एक्शन नहीं हुआ, ना पुलिस अंदर घुसी वर्दी में, ना एफआईआर हुई, और अगर आपने शुरू किए है तो आप नई परंपरा डाल रहे हैं। दूसरा बंद हाउस में आपने एमएलए बाहर निकाले, जब एमएलए सदन ही सोमवार तक स्थगित था तो स्पीकर साहब एमएलए को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आप बताएं कि ये वैलिड क्वेश्चन है। हम बैठे हुए थे, हमने अंदर तो कुछ नहीं किया, हम जहां स्पीकर गवर्नर साहब स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर ने चाय पी, क्या हम उस कमरे में गए? क्या हमने उसके बाहर प्रदर्शन किया? हम असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने आके हमारे पे हमला किया और मुख्यमंत्री के इशारे पे किया। इस सारे का मास्टर माइंड जयराम है, जयराम इसने ये सारा सुनियोजित तरीके से किया, और क्योंकि ये फेस नहीं कर सकते असेंबली को फेस नहीं कर सकते, असेंबली में जो है जो मसले हम कर रहे थे, किसान का मसला और महंगाई का मसला, हमने चर्चा की क्योंकि ये नहीं चाहते अंदर चर्चा हो, और हमारा तो सारा विधायक दल इकट्ठा था, हम सब 20 के 20 लोग 19 जो जितने प्रेजेंट थे हम सब इकट्ठे थे, आपने उसमें से 5 चुन के किए हैं, जबकि सारे वीडियोज अवेलेबल है, हमारे तो सारे सदस्य, हमारा सारा विधायक दल इकट्ठा है, आज भी इकट्ठा है, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने धक्के दिए, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, आप उन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लें, और आप अगर पुलिस एक्शन करना है तो उनके ऊपर पुलिस एक्शन करें, और आप जो है जो आपने हम लोगों पे किया है, ये आप सिर्फ इतना है कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, आप डेमोक्रेटिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। आज हमें रोकने के लिए 90 जो है मार्शल लगाए हुए हैं, आप बताएं असेंबली ऐसे चलती है? पुलिस छावनी बना के चलती है, हमारे घरों के आगे ताले लगा दिए हैं ताकि हम बाहर ना आ सकें, खुली हवा में सांस ना ले सकें। क्या हमारे एमएलए के नाते प्रिविलेजेस नहीं है? क्या हमारे अधिकार नहीं है? क्या हमारे हकूक नहीं है? क्या हकूक सिर्फ जयराम के रह गए हैं? मुकेश जी, सरकार का ये कहना था उस दिन भी कि उन्होंने नियम के तहत हाउस बुलाया, तो क्या यार एक बात, सूचना एक बात, देखो, एक बात सर, आपको सूचना मिली थी उस चीज की? हमें कोई सूचना, आप देखो हमें जो है, हमें जो है मैसेज, हमने बाद में देखा 12:50 पे हाउस इन्होंने दोबारा रिकॉल किया, 12:48 पे मुझे मैसेज मिला है, और हमारे सभी विधायकों को 2-3 मिनट पहले जो है वो मैसेज मिले हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, इनको इतनी क्या जल्दी थी हमें निष्कासित करने की? जब हाउस एडजॉर्न हो गया था फ्राइडे को, और दोबारा से हाउस तो मंडे को होना था, कोई हम उग्रवादी कोई टेररिस्ट हम खतरनाक अपराधी थोड़ी है कि हम जो है 2 दिन में जो है विधानसभा और सरकार को तहस नहस कर देंगे। दूसरा एक ये भी है, हाउस रिकॉल करने के लिए सेट प्रोसीजर है, हाउस रिकॉल करने के लिए आपको अगर आपको किसी इमरजेंट परिस्थितियों में हाउस बुलाना पड़ता है,
आपको रेडियो में खबर देनी पड़ती है, आपको अखबार में खबर देनी पड़ती है, आपको उसकी ड्यू पब्लिसिटी करनी पड़ती है। आपने की कोई पब्लिसिटी? आपने हिंदुस्तान क्या पूरे संसार का रिकॉर्ड बीट कर दिया कि 4 मिनट के अंतराल में आपने हाउस बुलाया, 12:46, 12:48 पे मैसेजेस कर रहे, 12:50 पे हाउस लगा दिया। सारे नियम कानून परंपराएं ताक पे रख के ये हाउस को संचालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सारे एपिसोड में, इसमें गवर्नर पे हमले का कोई मसला नहीं था, इस सारे का मास्टरमाइंड जो है जयराम है। उन्होंने जो है ना तो इस बात की भनक दी कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ाऊंगा, ना इसकी चर्चा विपक्ष से की, ना विपक्ष को चाय पे बुलाया, ना ही अंतर्राष्ट्रीय गीत करवाया जाते समय, और बाहर जो है अपने लोगों से अटैक करवाया।